हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोग फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर अपन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। और मैंने आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में बोला था कि अपन लोग प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस अपन वो करेंगे, ठीक है। तो आज अपन बच्चों प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर जो नीट और IIT के अंदर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है, जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो तो आप लोगों को पोज करना है और उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, राइट। उसके बाद में क्या करना है, मैं जब उसको डिस्कस करूँ यहाँ पर तो आप लोगों को चेक करके देखना है। देखो हिम्मत नहीं हारनी, अगर एक बार में नहीं हो रहा तो कोशिश करनी है आपको, 4 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट अपने आप को देना है, राइट। उसके बाद में आप लोगों को देखना है उसका सॉल्यूशन, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, IIT JEE एडवांस 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r = 10^-2 मीटर हैविंग सरफेस टेंशन एस, एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस दे रखी है और जिसका सरफेस टेंशन है बच्चों वो भी दे रखा है, ठीक है। सरफेस टेंशन भी आप लोगों को गिवन है, ठीक है। सरफेस टेंशन s = 0.1/4π न्यूटन पर मीटर डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू के आइडेंटिकल ड्रॉप्स, यानी ये क्या होती है, के आइडेंटिकल ड्रॉप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द टोटल चेंज इन सरफेस एनर्जी, यानी इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर जो टोटल चेंज इन सरफेस एनर्जी है जो आप लोगों को गिवन है 10^-3 जूल, राइट। फिर बोला गया इफ k = 10^α, आपको दिया है k = 10^ अगर अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी आप लोगों को अल्फा की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। ये देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, एक बिग ड्रॉप दे रखी है, ठीक है, जो क्या होती है के आइडेंटिकल ड्रॉप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है खुद से ही, ठीक है, जिसका सरफेस टेंशन जो है बच्चों वो आपको दिया हुआ है 0.1/4π, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर ये जो प्रोसेस है, जो डिवाइड होने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर सरफेस एनर्जी में इतना चेंज होता है, ठीक है। और आप लोगों को दिया है अगर के है वो 10^α है तो आप लोगों को अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ये है IIT JEE 2017 एडवांस का क्वेश्चन है, IIT JEE एडवांस का 2017 में आया हुआ, राइट। आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है, 1 2 3, चलो मैं बताता हूँ। देखो इसमें सरफेस एनर्जी की बात की है, सरफेस टेंशन की बात की है, तो सरफेस एनर्जी के अंदर तो अपने पास में एक ही फॉर्मूला आया था, चेंज इन सरफेस एनर्जी का अपन लोगों ने फॉर्मूला लिखा था T∆A, ये फॉर्मूला अपन लोगों ने लिखा है सरफेस एनर्जी का, राइट। अब टी की जगह यहाँ पर एस दे रखा है तो ∆U की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, s ∆A क्या होगा बोलो, a₂ - a₁, ∆A क्या होगा, a₂ - a₁ होगा, ठीक है। अब a₂ देखो, a₂ क्या है कि बाद में कितना सरफेस एरिया हुआ टोटल वो है, तो ∆U = s ∆A₂ क्या होगा, देखो मैंने बाद में जो ड्रॉप्स है उनकी रेडियस स्मॉल r मान ली मैंने, ठीक है, तो क्या होगा 4π r², ये एक ड्रॉप का सरफेस एरिया हुआ। अब अपने पास ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं, के ड्रॉप्स हैं, कितनी ड्रॉप्स हैं बच्चों, के ड्रॉप्स हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ड्रॉप का 4π r² है तो के ड्रॉप का कितना होगा, k × 4π r², राइट। फिर माइनस इनिशियल एरिया क्या होगा, पूरी ये बिगर ड्रॉप है उसका एरिया, यानी 4π, इसकी रेडियस कितनी है r, r², ये अपने पास में वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो सब वैल्यू गिवन है, स्मॉल r नहीं है अपने पास में, तो ऐसे क्वेश्चन जब मैंने आप लोगों को ये सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन वाला ये जो टॉपिक करवाया था, सरफेस टेंशन का सबसे पहला वीडियो था इसका, उसमें आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन करवाया भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब देखो एक ड्रॉप है वो अलग अलग छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर डिवाइड होती है या फिर छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बिगर ड्रॉप का निर्माण करती है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, अपन लोग
एक कंसेप्ट काम में लेती हैं। वो जो कंसेप्ट है वो बचपन में भी आप लोगों ने मैथ के क्वेश्चंस किए होंगे तो देखा होगा कि उसमें क्या होगा कि जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर जो वॉल्यूम बनाएगी वो बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें वॉल्यूम इक्वल की कंसेप्ट अपन लोग काम में लेते हैं। तो जो बिगर ड्रॉप है उसका वॉल्यूम क्या होगा बोलो, 4/3 πr³। ये तो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम इजिकल टू जो यहाँ पर स्मॉल ड्रॉप जिसमें डिवाइड हुई है उसके टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो एक देखो इसकी रेडियस अपन ने स्मॉल आर ली है, तो एक ड्रॉप का जो एक जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³ होगा। ये तो एक ड्रॉप का आया हुआ है, ऐसी अपने पास कितनी ड्रॉप्स हैं, के ड्रॉप्स हैं। तो इसलिए क्या आ जाएगा, के से ही मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 4/3 π से 4/3 कट गया, देखो r³ = क्या आया, k into r³। राइट, आपको तो स्मॉल r क्यूब की वैल्यू चाहिए r की, तो स्मॉल r इजिकल क्यूब इजिकल टू क्या आ जाएगा, r³। ये k इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से r इजिकल टू क्या आ गया, स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल r अपॉन k की पावर 1/3। ठीक है, ये आपके पास में वैल्यू निकल के आ गई किसकी, स्मॉल r की। अब ये वैल्यू आप लोग यहाँ रखो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो, देखो बहुत ही आसान है। इसी क्वेश्चन में मैं रखता हूँ, देखना वैल्यूज रख रहा हूँ। डेल्टा u का मान कितना दिया हुआ, रखो 10^-3 इजिकल टू एस का मान कितना दिया हुआ है, 0.1/4π (k)(4π) स्मॉल r की वैल्यू क्या आई है, ये आई है तो r/k^(1/3) का स्क्वायर, राइट, -4πr². ये लो, जो जो वैल्यूज थी वो मैंने सारी रख दी। ठीक है, अब देखो 10^-3 0.1/4π, यहाँ से 4πr² कॉमन ले लो, 4πr² कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, k बचा अपोन वन अपोन, देखो 4π यहाँ से r² आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ k^(2/3) नहीं हो जाएगी क्या बोलो, k^(2/3) -1। यहाँ पर 4πr² बाहर कॉमन ले ले तो वन बचा, 4π कट गया। राइट, तो क्या है देखो, 10^-3 इजिकल टू 0.1 × r की वैल्यू बोलो कितनी है, 10^-2 है, यानी -2² ये बोलो क्या आएगा, k × k^(-2/3 - 1 ये पावर, ये k^(2/3) नहीं, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। राइट, तो देखो 10^-3 0.1 × 10^-4 ये -4 आ जाएगा, ये क्या आएगा बोलो, k^(1) ये 1 है और इसको आप लोग ऐड करो, देखो 1 - 2/3 तो 3 - 2 यानी 1/3 आएगा, 1/3 - 1 1/3 आया। तो देखो ये क्या है, 10^-3 इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10^-5 क्योंकि ये 10^-1 है और ये 10^-4 तो 10^-1 बन गया, इसका मतलब 10^-1 ही है। राइट, तो ये क्या है देखो, अब k की वैल्यू आप लोगों को कितनी गिवन है, 10^α यानी 10^α/3 - 1 यहाँ पर k की वैल्यू रख ली मैंने। राइट, इसको इधर लेके आओ डिवाइड में, तो ये क्या आएगा देखो, 10^-3 / 10^-5 = 10^α/3 - 1। राइट, अब ये देखो ऊपर जाएगी पावर तो क्या बनेगी, 10^-3 × 10^5 = 10^α/3 - 1 तो ये कितनी बचेगी यहाँ पर, 10^2 बचेगी, इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, = 10^α/3। अब आप लोगों को यहाँ पर एक अजम्पशन मानना पड़ेगा, अजम्पशन क्या मानना है कि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 1 है, 100 के अंदर 1 जोड़ोगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए अपन इस 1 को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10^2 है ये > 1 है, तो इसलिए मैं इसको नेग्लिजिबल कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर एक अजम्पशन मानना है, तभी आप लोगों का ऑप्शन आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 10^2 = 10^α/3 इसको नेग्लिजिबल मान लिया अपन ने, नेगलेक्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पर 10^2 यहाँ पर 10^α/2 कंपेयर करो क्या आएगा, 2 = α/3 तो यहाँ से α = क्या आ गया, 6। अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, 6। तो ये है बच्चों आसान सा प्रश्न। ठीक है,
जो बहुत ही एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था, बस आप लोगों को फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी थी और निकालना था, ठीक है। थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है लेकिन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, फिर आप लोगों को एक दूसरा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर के अंदर, दो चार हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते। क्वेश्चन आप लोगों को देखो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले दो ठोस गोले पी तथा क्यू का व्यास क्रमशः, यानी जो स्पीयर दे रखे हैं उनकी आप लोगों को दोनों की क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। कितनी डेंसिटी दे रखी है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दो स्पीयर लिए हैं, ठीक है, पी और क्यू, उन दोनों की जो रेडियस है वो भी दे रखी है, यानी पहले वाले की जो रेडियस है वो भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, और जो दूसरा है उसकी रेडियस भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बोलो, 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। फिर आगे क्या गिवन है, गोले पी को 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व है एवं नीटा इजकल टू 3 श्यानता वाले एक तरल माध्यम में गिराया जाता है, यानी क्या दिया है, एक गोला है, जो पी गोला है उसको, पी गोले को 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी के एक फ्लूड के अंदर उसको गिराया जाता है, और उस फ्लूड की जो विस्कोसिटी है वो भी गिवन है, वो कितनी दी हुई है बच्चों, 3 दी हुई है, राइट। फिर क्या बोला आगे, और गोले क्यू को, जो क्यू गोला है उसको क्या करते हैं अपन लोग, एक 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी वाले फ्लूड के अंदर गिराते हैं, ठीक है, और उसकी आप लोगों को उसके लिए भी जो है ये दे रखा है, 2 दे रखा है नीटा, राइट। फिर बोला क्या है सवाल के अंदर, गोले पी तथा क्यू के अंतिम वेगों का अनुपात क्या होगा, ये बोला है कि जो गोला पी है और क्यू है उनके लिए टर्मिनल वेलोसिटी है वो आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है, ये क्वेश्चन है बच्चों जेई एडवांस 2016 का, ठीक है। क्या बोला गया, एक यहाँ पर एक मान लो मैं ऐसे बनाता हूँ, ये एक फ्लूड है जिसकी डेंसिटी आप लोगों को गिवन है 0.8, इसमें एक गोला रखा है, ठीक है, पी गोला, उसकी रेडियस भी गिवन है, ठीक है, रेडियस डायमीटर गिवन है, रेडियस नहीं है, उनके डायमीटर गिवन है, ठीक है, डायमीटर गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है, राइट। अब देखो ये एक दूसरा फ्लूड है जिसकी डेंसिटी गिवन है, जिसके लिए विस्कोसिटी भी गिवन है, इसके अंदर एक क्यू गोला है, ठीक है। अब इनको इसके अंदर गिराते हैं दोनों को, तो आप लोगों को इनकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, आप लोगों को दोनों के लिए दोनों का जो डेंसिटी है वो गिवन है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग मेरे को बताओ अपने पास टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आता है, 2 ÷ 9 ղ r² g ρ - σ, जहां पर रो तो क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है उसकी डेंसिटी, और सिग्मा क्या है बच्चों, जिस फ्लूड में गिराया जाता है उस फ्लूड की डेंसिटी, दोनों में ये ध्यान रखना, राइट। ये आपके पास में फॉर्मूला आता है, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को कैलकुलेट करना है VP/VQ, यानी VP/VQ की वैल्यू आप लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, राइट। अब यहाँ से VP क्या आएगा, देखो VP = 2 ÷ 9 ղ p r² p g ρ p - σ p, और VQ क्या आएगा बोलो बच्चों, 2 ÷ 9 ղ q r² q g ρ q - σ q, ठीक है। ये आप लोगों के पास दोनों फॉर्मूले, दोनों को डिवाइड करो, जो वैल्यूज कट रही है, जैसे 9 ₹2 g ये कट रहा है, और बाकी जो वैल्यू है वो सारी आप लोगों को यहाँ पर दी हुई है, यहाँ से इसको मीटर में चेंज कर लेना, और यहाँ से मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं, सारी वैल्यूज आप लोगों को CGS में ही दी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो मेरे ख्याल से, तो ठीक है। और इसका जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आप लोग बताना कितना आंसर आएगा इसका, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर बताना है, इसका जो आंसर है वो कितना आता है, ठीक है।
इसका आंसर बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो और निकाल सकते हो, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। देखो क्वेश्चन है जो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ये देखना है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये है जेई मेन्स 2019 का, 2019 का जेई मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़ो क्वेश्चन को और वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है देखो, आपको बोला गया है कि पारे का R1 त्रिज्या की एक केस नली में उतार, यानी आपको मरकरी दे रखी है जिसकी रेडियस मरकरी दे रखी है, उसके अंदर एक कैपिलरिटी ट्यूब है उसको डुबोया जाता है, ठीक है। और उसकी रेडियस आप लोगों को कैपिटल R1 दे रखी है, और उसमें जो डिप्रेशन होता है वो किसके इक्वल है, R2 त्रिज्या की जो दूसरी कैपिलरिटी है जिसमें जो पानी में डुबोई गई है, तो उसमें क्या होगा, राइज होगा, तो उसका डिप्रेशन इसके राइज के इक्वल दिया हुआ है। फिर बोला यदि पारे और पानी के पृष्ठ तनाव का अनुपात, यानी दोनों के पृष्ठ तनाव का जो रेशियो है वो आप लोगों को गिवन है, वो दे रखा है 7.5, और उनके घनत्व का यानी उनकी डेंसिटी का जो रेशियो है वो भी गिवन है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी, देखो वो भी गिवन है, 13.6 दिया हुआ है। और दोनों के लिए जो स्पर्श कोण है, संपर्क कोण है, कॉन्टैक्ट एंगल है, वो भी दिया हुआ है। मरकरी के लिए दिया हुआ है 135 डिग्री, और वाटर के लिए जो है वो दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को 0 डिग्री। तो आप लोगों को R1 रेशियो R2 बताना है, यानी R1 और R2 का क्या रेशियो आएगा वो बताना है। समझो क्वेश्चन को, जेई मेन्स 2019 का क्वेश्चन है ये भी, अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम हुई है। देखो ये दिया हुआ है, ये मरकरी भरी हुई है इसके अंदर क्या है बच्चों, मरकरी है HG। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक कैपिलरिटी ट्यूब को डुबोया जाता है, तो उसमें जो डिप्रेशन जितना होता है, जितना फ्लूड का डिप्रेशन होगा, मान लो H1 मान लिया, H1 डिप्रेस हुआ फ्लूड, वो क्या दे रखा है, एक दूसरी मेरे पास में जिसके अंदर वाटर दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर मरकरी को डुबोया जाता है, तो इसमें जो फ्लूड जितना राइज होता है, मान लो यहां तक राइज हुआ इसमें H2 हाइट तक, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू जो है बच्चों वो इक्वल दे रखी है, यानी आप लोगों को ये गिवन है H1 बराबर H2, ये दिया हुआ है आप लोगों को कि इसमें जितना डिप्रेशन होगा उसमें जितना राइज होगा वो दोनों क्या है, इक्वल है। अब मैंने आप लोगों को जब कॉन्टैक्ट एंगल वगैरह पढ़ाए थे, कैपिलरिटी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, वहां पर आप लोगों को बताया था कि एच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो 2T cos θ / R ρg, ये आपके पास में राइज कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी डिप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसको मैंने डिटेल से बताया है। थीटा पर डिपेंड करता है कि थीटा की वैल्यू क्या क्या आएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी एच की, नेगेटिव आएगी तो डिप्रेशन होगा, पॉजिटिव आएगी तो राइज होगा फ्लूड कैपिलरिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से देखो H1 क्या आएगा, पहले के लिए 2T Hg cos θ Hg / R Hg ρ Hg की जगह इसकी पहले की जो रेडियस है वो कैपिटल R1 दी है, दूसरे की रेडियस कैपिटल R2 दी है, तो यहाँ पर R1 लिख लूँ मैं, into g बराबर दूसरे के लिए क्या आएगा 2TW water के लिए / R2 ρ W into g। आपको R1 रेशियो R2 निकालना है, तो ये इससे ये कट गया, G से G कट गया, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो R1 रेशियो R2 की निकालनी है, तो R1 इधर चला गया, R2 ये है ही, बाकी सारी वैल्यू इधर ले आओ, तो इधर THg इधर TW आ जाएगा इसके डिवाइड में into cos θ W, ये लो, इस फॉर्मूले से आप लोग अब यहाँ से इसके अंदर जो जो वैल्यूज है, ये वैल्यू दी हुई है थीटा सब दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। इसका जब आप लोग आंसर निकालोगे तो इसका जो आंसर है बच्चों वो निकल के आएगा R1 रेशियो R2 जो है वो निकल के आएगा 0.4। इसमें सारी वैल्यूज आप लोग रख देना और इसका आंसर निकाल लेना,
ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। जिसने कर लिया था ये क्वेश्चन वो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं किया तो आप लोग इसको नोट करो। फिर आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो क्वेश्चन है बच्चों वो नीट 2019 का क्वेश्चन है, यानी नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो उस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, पढ़ो बिल्कुल ध्यान से उसको, एकदम आसान सा प्रश्न है। आप लोग पढ़ो क्वेश्चन को और वीडियो को पॉज करके करो इसको। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रोसेक्शन, एरिया ऑफ क्रोसेक्शन 2 mm² इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 meter, यानी एक 2 meter हाइट का एक टैंक है, एक 2 meter हाइट का एक टैंक है जो फुल्ली एकदम फ्लूड से भरा हुआ है, ठीक है, 2 meter हाइट का है, ठीक है। और इसके जो बॉटम के नियर क्या है, एक होल है जिससे क्या हो रहा है, फ्लूड बाहर आ रहा है, ठीक है। आपको जी की जो वैल्यू है बच्चों वो लेनी है 10 m/s². फिर आगे क्या बोला है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वो कितना आएगा वो आप लोगों को निकालना है, यानी द रेट ऑफ फ्लो निकालना है। तो क्यू इजिकल टू आपको पता है ए वी होता है, क्यू इजिकल टू ए वी होता है। अब आपके पास में ए तो है लेकिन वी नहीं है, वी यानी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जो क्या होता है अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh आता है। तो वी की वैल्यू यहां से रखो आप लोग, देखो ए कितना है 2 mm² है, तो यानी 10^-6 करूं, इसको आप लोग करोगे तो क्या आएगा 2 × 10^-6 आएगा, क्योंकि एक को करोगे तो -3² है तो -6। ये है बच्चों नीट 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। अब वैल्यू रखो यहां पर अंडर रूट 2 × जी की वैल्यू क्या है 10 × एच कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ये कितना आएगा देखो 2 × 10^-6, यहां से 2 बाहर निकल के आ गया और ये बच गया अंडर रूट 10 बच गया, राइट। तो देखो ये क्या आया 4 × 10^-6, अंडर रूट 10 को आप लोग कितना लिख सकते हो, देखो अंडर रूट 9 जो होता है वो 3 होता है, तो अंडर रूट 10 क्या होगा 3 के नियर होगा, यानी 3.1 लिख लिया मैंने लगभग इसको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3.1, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4.12 × 10^-6 क्यू, इसका जो यूनिट आती है वो आती है m³/s, ठीक है। तो आप लोगों को नियरली आंसर पूछा था, तो इसके नियर जो आप लोगों का आंसर है इसके अंदर ऑप्शन में वो आपका आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी देखो एकदम बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है, क्योंकि मैंने जब ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करवाएं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखे, अगर वो वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करो, फिर आप लोगों को स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है वो आप लोगों को मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो ये री AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है वो देखो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन करने का ये तरीका होता है, जो जो वैल्यू गिवन होती है सबसे पहले उनको लिखने का, ठीक है, फिर उत्तर करने का। तो ये है री AIPMT 2015, जब दोबारा AIPMT की एग्जाम हुई थी कैंसल होके, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज रेडियस कैपिटल आर, वन एंड ऑफ विच हैज एन फाइन होल, यानी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब दे रखी है, ठीक है, जिसकी रेडियस है वो आप लोगों को गिवन है आर, रेडियस आर गिवन है, ठीक है। फिर बोला गया इसके अंदर एन फाइन होल है, एक एंड पर एन फाइन होल है, एन फाइन होल दे रखी है एक एंड पर, ठीक है। फिर बोला गया ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर, जिनकी रेडियस क्या दे रखी है स्मॉल आर दे रखी है, इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज कैपिटल वी या वी, ठीक है, यानी इस ट्यूब के अंदर जो
फ्लूड है, लिक्विड है, उसकी स्पीड आपको वी दे रखी है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द ट्यूब होल इज, यानी ट्यूब होल से जो फ्लूड है वो किस स्पीड से बाहर निकलेगा वो आप लोगों को निकालना है, जो होल्स दे रखी है इनसे, ठीक है। तो देखो इसके लिए देखो, यहां से जितना फ्लूड इसमें इंटर किया उतना ही फ्लूड इधर से बाहर निकलेगा, यानी यहां पर जितना फ्लूड इसमें इंटर हुआ यहां से जो फ्लूड है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन लगा सकते हैं, बेसिकली यहां से लगा सकते हैं। इसकी जो रेडियस है, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर दे रखी है, वेलोसिटी वी दे रखी है यहां की, बराबर ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर, एक छोटे से होल का एरिया आ गया, इसमें कितने होल है, एन होल है, तो एन पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इंटू वी टू, वी टू की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पाई से पाई कट गया, क्या बचा आर स्क्वायर वी बराबर आर स्क्वायर वी टू एन आर स्क्वायर, तो वी टू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, आर स्क्वायर वी अपोन एन आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक लाइन का ही क्वेश्चन है, वैसे तो अपन अगर देखे तो मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, दो तीन लाइन कर दी, ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आई होगी ये, ठीक है, आप लोग इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो AIPMT 2015 का जो क्वेश्चन है जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो करो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखो, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ए विंड विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, यानी विंड है जिसकी स्पीड दे रखी है, कितनी देर की है 40 मीटर पर सेकंड स्पीड है जिससे विंड है वो बह रही है एक घर के ऊपर से, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड क्या दे रखी है, उस विंड की स्पीड दे रखी है। फिर क्या बोला गया था, एरिया ऑफ द रूफ इज, एरिया ऑफ द रूफ दे रखा है 250 मीटर स्क्वायर, अज्यूमिंग दैट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी, और आप लोगों को जो एयर है उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, राइट। आप लोगों को जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है कि कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझो, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, एक घर है, ठीक है, जिसकी ये छत है, ठीक है, इस छत के पैरेलल क्या हो रही है, विंड बह रही है ऐसे, ठीक है, स्पीड दे रखी है उसकी, वो मैंने V2 मान ली, जो दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड ऐसी स्पीड, ठीक है। अब जो हाउस है उसका इनसाइड जो अंदर की साइड जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, अंदर की साइड एटमोस्फेरिक प्रेशर है, मतलब अंदर की साइड V जो इन मानूँ अगर मैं तो वो हो जाएगा जीरो, यानी अंदर की साइड जो विंड है एयर है उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो मान ली। अब ऊपर की साइड जो एयर है आउटसाइड, जिसको मैं V आउटसाइड लिख लूँ, वो आपको दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आपको इस ये जो छत है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है और एयर की डेंसिटी भी दी हुई है। आपको ये बोला गया कि इस छत पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में लगेगा ये निकालना है। तो आप लोग सोच के देखो, नीचे की साइड इनसाइड प्रेशर क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब वेलोसिटी मान ली अपने यहाँ पर जीरो है, ऊपर की साइड जो विंड है उसकी स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, यानी ऊपर की साइड जो स्पीड है वो ज़्यादा है आउटसाइड, तो जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी तो बर्नौली इक्वेशन अपन को ये कहती है कि जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी ऊपर की साइड यानी आउटसाइड ये जो रूफ है, ठीक है, इसके आउटसाइड जो प्रेशर है वो कम है और इनसाइड प्रेशर ज़्यादा है, तो फोर्स किधर की ओर लगेगा, ज़्यादा से कम की ओर, यानी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की ओर। अब कितना लगेगा वो अपन को निकालना है, मैंने बता दिया किधर की डायरेक्शन बता दी, समझ में आ गई कितने किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा वो निकालने के लिए देखो, फोर्स निकालने के लिए मेरी बात समझो आप लोग, आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब अपन लोग क्या करें कि इनसाइड का और आउटसाइड का प्रेशर डिफरेंस निकाल लें, और वो प्रेशर डिफरेंस अगर अपन को पता लग गया तो अपन फोर्स एग्जर्टेड निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया अपन को गिवन है। तो फोर्स प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए अपन काम में लेंगे बच्चों बर्नौली इक्वेशन, यानी पी इनसाइड प्लस 1/2 रो वी इनसाइड का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आउटसाइड प्लस 1/2 रो वी आउटसाइड स्क्वायर, राइट। तो देखो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड चाहिए, क्योंकि इनसाइड का प्रेशर ज़्यादा है, तो इसमें से ये घटा देता हूँ, तो क्या आएगा
एक बट्टा दो रो वी जीरो स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, माइनस एक बट्टा दो रो वी इनसाइड स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, एक बट्टा दो रो वी जीरो स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एक बट्टा दो रो की वैल्यू दी हुई है 1.2, वी आउटसाइड कितना दिया हुआ 40 का स्क्वायर माइनस वी इनसाइड जीरो। तो इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 0.6 इंटू 600, 40 का स्क्वायर, 4 का 16, ये 10, तो 100 ये आ गया आपके पास में P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। अब आपको पता है फोर्स एग्जर्टेड कितना होगा, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इंटू एरिया। यहाँ से देखो, तो यहाँ से आप लोग ये वैल्यू रखो 0.6 इंटू 1600, ये दे रखा है 250। तो यहाँ से आप लोग फोर्स निकाल सकते हो न्यूटन के अंदर इस कैलकुलेशन को करके। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये भी, ठीक है। और डायरेक्शन इसकी जो होगी बच्चों वो अपवर्ड होगी, वो मैंने बता दिया कैसे होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, आप लोग वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को नोट करो। फिर एक क्वेश्चन है जो IIT के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वो आप लोगों को करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो IIT JEE के अंदर आया हुआ है 2004 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है ये आप लोग देखो, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, चित्र इसका डायग्राम है जो आप लोगों को दिख रहा है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ, खुद से सोल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या वैल्यू दी हुई है, क्या बोला गया, एक सिरिंज के पिस्टन और नोजल का व्यास दे रखा है। एक सिरिंज बना रखी है, डायग्राम के अंदर आप लोगों को बाकायदा दिख रही होगी, ठीक है, जिसके नोजल का और उस सिरिंज का जो डायमीटर है वो आप लोगों को गिवन है, पिस्टन का डायमीटर, ठीक है, जिसको मैंने D1 मान लिया। तो D1 की वैल्यू है वो 8 mm दे रखी है, और ये जो स्मॉल D2 है इसकी वैल्यू 2 mm दे रखी है, ठीक है, दोनों का डायमीटर दे रखा है। फिर बोला सिरिंज में पानी भरकर क्षितिज रखा गया है, इस सिरिंज को जैसे डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है हॉरिजॉन्टली रखा गया है, ठीक है। इसकी जो अर्थ सरफेस है वहाँ से जो हाइट है बच्चों वो भी आप लोगों को दी हुई है, अर्थ सरफेस से इसकी जो हाइट है वो है 1.25 meters, राइट। फिर आगे क्या बोला गया है, यदि पिस्टन को 0.25 meters per second से, यदि पिस्टन को अपन लोग 0.25 meters per second से इधर की ओर चलाते हैं अंदर की ओर, ठीक है, तो क्या बोला गया, अंदर की ओर धकेला जाए तो नोजल से निकलने वाले धारा की क्षितिज परास क्या होगी, यानी जब इसको आप लोग इधर चलाओगे तो इधर से कुछ धारा निकलेगी, उसकी आप लोगों को क्षितिज परास निकालनी है कि उसकी क्षितिज परास कितनी होगी, यानी आप लोगों को ये जो रेंज है ये निकालनी है, ठीक है। अब देखो रेंज निकालने के लिए आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हो, तो रेंज इजिकल टू आर इजिकल टू यू एक्स इंटू टी। अब देखो यहाँ पर अपने पास में प्लस एक बट्टा दो ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाई है मैंने, राइट, लेकिन एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर जो फ्लूड है उसकी जो मोशन होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आप लोगों ने देखा है कि जैसे मान लो एक बॉल को अपन ऊपर फेंकते हैं या फिर ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, किसी एंगल पर, तो वो बॉल जो होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर या ग्रेविटी के अंदर क्या करती है, मोशन करती है। अब जो ग्रेविटी होती है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगती है, वर्टिकली लगती है, मतलब अपवर्ड क्या वर्टिकली लगती है ग्रेविटी, तो हॉरिजॉन्टली नहीं लगती, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टली नहीं लगती तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब एक्स की वैल्यू जीरो होने से यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, यू एक्स यानी यहाँ की स्पीड चाहिए, जो मैंने मान ली V2, एक तो ये स्पीड चाहिए और क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ वाटर का आने में कितना टाइम लगा वो चाहिए। ये दो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप लोग रेंज निकाल सकते हो। अब अपन ये दो चीज़ कैसे निकालें, यहाँ से अपन V2 तो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसमें जितना फ्लूड इंटर हुआ उतना इससे बाहर निकला, ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अपन लोग V2 तो निकाल लेंगे, A1V1 बराबर A2V2। तो A1 की वैल्यू क्या आएगी बोलो, पाई R1 स्क्वायर, V2 की वैल्यू सॉरी V1 आएगा यहाँ पर, V1 इजिकल टू, A2 की वैल्यू क्या आएगी, पाई R2 स्क्वायर V2, तो पाई से पाई कट गया। R1 क्या आएगा देखो, यहाँ से R1 आएगा 4 × 10⁻³ meters, 8 का हाफ, रेडियस निकाल ली मैंने डायमीटर से, 4 आ गई और mm दे रखा है, मीटर में बदलोगे तो 10⁻³, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 4 × 10⁻³ का स्क्वायर इंटू V1 की वैल्यू भी दे रखी है आपको, कहाँ गिवन है, ये नहीं, 0.25, राइट।
इजिकल टू आर टू क्या आएगा यहाँ से 1 × 10⁻³ मीटर आएगा। यहाँ से जो आर टू है वो 1 × 10⁻³ मीटर निकल के आएगा। ठीक है, डायमीटर टू दे रखा है तो रेडियस वन होगी, तो ये क्या आ गया 1 × 10⁻³ का स्क्वायर इंटू वी टू, तो ये क्या आ जाएगा 16 × 10⁻⁶ इंटू इजिकल टू 1 × 10⁻⁶ इंटू वी टू। तो माइनस सिक्स से माइनस सिक्स कट गया, 16 × 0.25 इजिकल टू वी टू। तो यहाँ से अगर अपन लोग वी टू निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 15 और ये कितना आएगा 4 आएगा, यानी ये यहाँ से कितना निकल के आएगा 4 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा वी टू। यानी आपके पास वी टू की वैल्यू तो आ गई है, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम जो लगा है वो चाहिए और आपको ये हाइट दे रखी है। तो अपन लोग क्या करें, वाई डायरेक्शन में बच्चों इक्वेशन लगा देते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, देखो इधर यहाँ लिख देता हूँ एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या आएगा, हाइट यू वाई इंटू टी प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। अब इसकी जो यहाँ पर जो फ्लूड होगा उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एच की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 1.25 इजिकल टू ये जीरो प्लस 1/2। ए वाई क्या होगा, देखो ए वाई ये फ्लूड है, ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, तो प्लस जी आएगा, यानी जी की वैल्यू 10 लेनी है, ये लो ये आ गया। तो यहां से अपन लोग टी निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इजिकल टू ये इसको काटो 5 × 5t² तो देखो यहां से टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, टी स्क्वायर इजिकल टू 1.25 / 5, तो क्या आएगा 0.25 सेकंड निकल के आएगा। ठीक है, U भी आ गया, T भी आ गया, यहाँ रख दो वैल्यू क्या आएगा बोलो 4 × 0.25, तो ये कितना आएगा 2 मीटर। तो यहाँ से अपन रेंज निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये भी, थोड़ी सी कंसेप्ट इसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन की भी काम में आ रही थी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है एडवांस में जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दो कंसेप्ट को ऐसे मिला के क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग कर लोगे आसानी से, बहुत ही सरल सा प्रश्न था, इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट आप लोग एक और अपन जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग देखो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिख रहा है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है वो आप लोग देखो, कोई एक बर्तन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि एक बर्तन है जिसके अंदर 3 मीटर हाइट तक वाटर है वो भरा हुआ है, 3 मीटर हाइट तक इसमें फ्लूड भरा हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला किसी बर्तन में 3 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, तली से इसकी जो तली दे रखी है, इसका जो बॉटम दे रखा है, इससे 52.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक ए क्षेत्रफल का छेद है। ठीक है, बर्तन की दीवार में बनाया गया है, बर्तन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए दे रखा है और स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए की वैल्यू 0.1 दे रखी है। ठीक है, बोला गया है यदि ये है तो वी स्क्वायर का मान निगात करना है। तो वी स्क्वायर है क्या बच्चों, एक्चुअल में जो वी स्क्वायर है यानी जो वी है वो यहाँ पर ये जो छिद्र दे रखा है इससे जो फ्लूड बाहर आ रखा है उसका बहिस्राव वेग है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है। ठीक है, आप लोगों को बोला गया है एक बर्तन है, देखो इधर बोर्ड पे, जिसमें 3 मीटर हाइट तक फ्लूड भरा हुआ है। ठीक है, 3 मीटर हाइट तक फ्लूड भरा हुआ है। अब इसमें क्या है बच्चों, यहां से फ्लूड बाहर निकलता है तो इसका जो फॉर्मूला आता है अपने पास में ये आता है। ठीक है, वी का आपको तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2gh आ जाएगा। अब h ये वाली हाइट होती है, अब ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे, ये कितना है 52.5 सेंटीमीटर बॉटम से दे रखा है, यहां से अगर मैं 300, ये देखो 3 मीटर दे रखा तो इसको सेंटीमीटर बदल के घटा ले, 300 सेंटीमीटर है, यानी 300 सेंटीमीटर से अगर मैं 52.5 को अगर मैं घटाता हूं तो मेरे पास में क्या बचता है, देखो 247.5, यानी जो यहां की जो हाइट बची ये बची 247.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो वैल्यू रखो
टू इंटू जी की वैल्यू 10 लेनी है, एच की वैल्यू ये आई है 247.5, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलोगे तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से आप लोग वी के जो आंसर है वो निकाल सकते हो। यहाँ से जो ये आंसर निकल के आएगा, ये आपका जो आंसर वैसे तो 49 point something आएगा, जो आपको ऑप्शन में 40 दे रखा है लगभग, इसका आंसर 50 इसका आंसर वैसे ऑप्शन में नहीं दे रखा आप लोगों को, ये रिटर्न एग्जाम होती थी तब का क्वेश्चन है, तो आपको भरने होते थे उसमें गोले में 50, ठीक है। तो अप्रोक्स मान के अपन लोग करते थे सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह करके और इसको कर देते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये भी देखो एकदम सिंपल सा, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स पे डिपेंड। आप बोलोगे सर ये वैल्यू कहाँ काम में आई, कहीं काम में नहीं आई, अपना आंसर आ गया। कभी कभी क्या होती है, एक्स्ट्रा वैल्यू दी हुई हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, तो अगर कोई वैल्यू काम में आ रही है तो उसको ले, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत कहाँ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन जो है वो क्या है जो आप लोगों को करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैंने आप लोगों को करवाया भी है। देखो AI ट्रिपली के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2002 के अंदर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 20 मीटर ऊंचाई का बेलन जल से पूरा भरा हुआ है, यानी एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी हाइट आप लोगों को दी हुई है 20 मीटर, वो फ्लूड से पूरा का पूरा भरा हुआ है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये भी, वो जो है वो फ्लूड से पूरा भरा हुआ है, कितनी मीटर हाइट का है, 20 मीटर हाइट का है, ठीक है। इसकी तली के निकट एक छिद्र से निकलने वाले जल का बहिस्राव वेग कितना होगा। AI ट्रिपली जो JEE मेन जो होती है आजकल, उसके अंदर आया हुआ है 2002 के अंदर, इसके तली के निकट एक यहाँ पर छेद है, इसे बहिस्राव वेग की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, जो ये होती है, सारी वैल्यू दी हुई है, 20 दिया हुआ है, देखो वैल्यू रखो 2 × 10 × 20, तो यहाँ से आंसर निकल के कितना आ जाएगा 20 meter per second। ये भी बहुत ही देख लो एकदम 4 number का क्वेश्चन है, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन मतलब वो है फास्ट है तो आप लोग रख पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या वैल्यू दी हुई है वो आप लोग देखो। क्वेश्चन आप लोगों को है JEE 2000 के अंदर आया हुआ, 2000 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका डायग्राम भी आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो डायग्राम बना हुआ है वो क्या डायग्राम है आप लोग उसको देखो। डायग्राम जो है उसमें एक देखो, एक बड़ी खुली टंकी की दीवारों में दो छेद कर रखे हैं अपन ने, ठीक है, इसमें दो छेद कर रखे हैं, जो एक सिरे से गहराई वाई पर एल भुजा का वर्गाकार छेद है, ठीक है। वाई डेप्थ नीचे एल भुजा का एक वर्गाकार छेद है, एल भुजा का, ठीक है। फिर बोला दूसरा जो छेद है वो सिरे से 4y गहराई नीचे है, यानी उसकी जो डेप्थ दे रखी है वो 4y दे रखी है और उसकी रेडियस कैपिटल R दे रखी है, ठीक है। जब टंकी को पूरी तरह पानी से भर दिया जाता है, ये जो टंकी है इसको अगर मैं पूरी तरह पानी से फ्लूड से भर दूंगा, ठीक है, तो दोनों छेदों से प्रति सेकंड बराबर पानी बाहर निकलता है, तो आप लोगों को निकालना है कि जो कैपिटल R की वैल्यू क्या आएगी। ये JEE 2000 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो यहाँ से जो फ्लूड बाहर निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 2gh1। इससे जो फ्लूड बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2gh2। आपको बोला गया कि यहाँ से दोनों जो होल हैं उनसे जो फ्लूड बाहर निकल रहा है वो पर सेकंड इक्वल फ्लूड बाहर निकल रहा है, यानी आपको फ्लो रेट तो दे रखी है वो इक्वल दे रखी है। तो ये क्या होती है, A1V1 = A2V2, Q = AV होता है, ठीक है। तो देखो A1 की वैल्यू क्या है, A1 क्या आएगा इसका, ये जो पहला वाला जो होल है ना ये क्या है आपको स्क्वायर होल दे रखा है, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर यानी L² इंटू V1 क्या होगा, अंडर रूट 2gh1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से y, ये y है ना तो y लिख दिया, = A2 क्या आएगा, देखो ये सर्कुलर है तो इसका एरिया क्या होगा πr², V2 क्या आएगा अंडर रूट 2gh2, H2 कितना है यहाँ से 4y दे रखा है तो क्या आ जाएगा ये 4y, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा है ये भी प्रश्न, देखो L² √2gy = πr²
यहाँ से इस 4 से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2gy से 2gy कट गया, एल स्क्वायर इजिकल टू 2πr², तो r² इजिकल टू l² अपॉन 2π, तो r इजिकल टू क्या आ जाएगा l अपॉन अंडर रूट 2π। ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे ये है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखो आप लोग, जिसका डायग्राम भी आप लोगों को दिया हुआ है, AI EEE 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जो आप लोगों को मैं करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखो, देखो जो JEE मेन की आजकल एग्ज़ाम होती है वही AI EEE है, आप लोगों को घबराना नहीं है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक यू आकार के तार एवं हल्के, यानी एक यू शेप का देखो डायग्राम दे रखा आप लोगों को, यू शेप का ऐसे कोई एक वायर दे रखा है, ठीक है, जिसमें एक स्लाइडिंग वायर लगा रखा है, जिसकी लेंथ आप लोगों को गिवन है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन में क्या दिया, एक पतली द्रव की फिल्म बना रखी है, उस पर एक फिल्म बना रखी है, उस फिल्म का जो सरफेस टेंशन है वो आपको दिया हुआ है 1.5 × 10⁻²⁺ न्यूटन, ठीक है, सॉरी इसका जो ये वेट दे रखा आपको, इससे ये जो स्लाइडिंग वायर है इससे एक वेट लटका रखा है, और उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.5 × 10⁻²⁺ न्यूटन, ठीक है, और इसकी जो स्लाइडिंग वायर है इसकी लेंथ भी दे रखी है, और इसका जो स्लाइडिंग वायर है इसका जो वेट है वो नेग्लिजिबल करना है अपन को, ठीक है। तो आप लोगों को सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालनी है कि सरफेस टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा आप लोगों को जब सरफेस एनर्जी की कंसेप्ट बताई थी तो मैंने आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। इसके अंदर क्या कंसेप्ट काम में लगेगी, देखो आपको पता है अपन ये जो स्लाइडिंग वायर है इसको अगर अपन देखें यहाँ पर इसका FVD बनाए तो इस पर इधर की ओर वेट W लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये वायर है तो मैंने आपको बताया था कि इस पर जो फिल्म बनती है वो एक तो ऊपर की ओर ऐसे बनती है, एक नीचे की ओर ऐसे बनती है, तो ऊपर की ओर जो फिल्म बनती है वो भी फोर्स लगाती है, नीचे वाली फिल्म भी फोर्स लगाती है, यानी ऊपर वाली फिल्म ने फोर्स लगाया F और नीचे वाली फिल्म ने भी F फोर्स लगाया। तो अगर इसका FVD बनाया, ये इक्विलिब्रियम के अंदर अगर रहे, ये फिल्म टूटे नहीं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, W = ये जो फोर्स है ये होगा। अब ये फोर्स कितना होगा, डबल है तो 2F, तो ये क्या आएगा, W = 2×T×L, F = T×L आ जाएगा। तो देखो L कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, यानी इसको ऐसे लिख लो, मीटर में चेंज कर लो, रखो वैल्यू। W कितना दे रखा है, 1.5 × 10⁻², ठीक है, 2×T की वैल्यू निकालनी है, L दे रखा है 30 × 10⁻², 10⁻², से 10⁻² कट गया, तो 1.5 ये डिवाइड बाय 2×30 = T, ये पॉइंट हटाओगे एक जीरो लग जाएगा नीचे, तो ये इससे कटेगा कितनी बार, 20 बार, तो T = क्या आएगा, 140 आएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं 0.025 न्यूटन पर मीटर। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न था, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कुछ एक क्वेश्चन जो मेरे को उपलब्ध हुए वो मैंने आप लोगों को पीछे की प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर पाओगे। फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो चैप्टर वो बहुत आसान सा चैप्टर है, आप लोग अच्छे से वीडियोज़ को देखो और न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करो, और भी आप लोगों को अगर न्यूमेरिकल उपलब्ध होते हैं तो बिल्कुल आप लोग उनको करने की कोशिश करो, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर होती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों बस इतना बाकी रहेगा, नेक्स्ट, थैंक यू।